नमस्कार दोस्तों, मैं रजन तिवारी आप सभी लोगों का मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आने वाली 17 अक्टूबर से नवरात्रि शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी पता है कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो हम इस महामारी के संक्रमण के चलते हुए किस प्रकार से इस नवरात्रि में पूजा, व्रत और घट स्थापना करें कि हमें इस महामारी के संक्रमण से बचाव भी हो जाए और हम हमारे व्रत का अनुष्ठान भी कर सकें। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घट स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, कि आप किस समय पर घट स्थापना कर सकते हैं। अगर जिसे आपको पता है कि अगर आप सही मुहूर्त में सही समय पर अगर घट की स्थापना करते हो तो वो घट स्थापना आपके लिए शुभ होती है। अदरवाइज़ अगर आपने ध्यान नहीं रखा, समय का ध्यान नहीं रखा, आपने अगर मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा तो वही घट स्थापना आपके लिए दुखदायी भी हो सकती है। इसलिए मैं आज आपको उसका मुहूर्त बता रहा हूँ। उस मुहूर्त को अगर आप करोगे तो आपका घट स्थापना जो है वो सफल होगा, लाभदायक होगा और आपके लिए सर्व मंगलकारी भी होगा। घट स्थापना जिस दिन आपको करना है उस दिन होगा 17 अक्टूबर, दिन होगा शनिवार। अब बात करते हैं इसके समय की। तो जो पहला समय है वो है सुबह 6:23 से 10:12 तक। ये सुबह का समय बता रहा हूँ, एक अच्छा मुहूर्त है, उस समय भी आप घट की स्थापना कर सकते हो। सुबह 6:23 से सुबह 10:12 तक इस समय में आप घट की स्थापना कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आप घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करें, मतलब अभिजीत मुहूर्त को आपको मालूम है सबसे अच्छा मुहूर्त कहलाता है, तो अगर आप अभिजीत मुहूर्त में घट की स्थापना करना चाहते हो तो उसके लिए समय रहेगा सुबह 11:43 से 12:29 तक। फिर से एक बार बता रहा हूँ, सुबह 11:43 से दोपहर 12:29 तक इस समय के दौरान आप घट की स्थापना कर सकते हो। ठीक है, अगर देखा जाए तो टोटल समय आपको 3 घंटे और 49 यानी 49 मिनट का मिलने वाला है। इस 3 घंटे 49 मिनट में कभी भी जब आपको टाइम मिले आप घट की स्थापना कर सकते हो। ये तो हुई घट स्थापना का मुहूर्त। अब घट स्थापना कैसे करें, पूजा की क्या विधि होती है, पूजा किस प्रकार से की जाती है, अगर ये आप सब जानना चाहते हैं तो आपको हमारा अगला वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश, मुझे दीजिए आज्ञा। जय माता दी।